अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स बीन वन ईयर, यानी सितंबर से लेके सितंबर तक एक साल हो चुका है जब मैंने केक का बिजनेस घर से ही स्टार्टअप किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग रियली वेल। मैंने अब ऑर्डर्स थोड़े कम लेना शुरू कर दिए हैं बिकॉज आई गॉट टू मैनी थिंग्स इन माई प्लेट, लेकिन फिर भी आई एम रियली हैप्पी विद वॉट आई लर्न सो फार। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाउ मच आई चार्ज फॉर ऑल दीज केक्स इन वन ईयर। मैंने जितने भी केक्स किए थे उनकी मैंने क्या प्राइसिंग रखी थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दीज जाइंट चॉकलेट चिप कुकीज़ जो होते हैं, या जाइंट NYC चंकी स्टाइल कुकीज़ होते हैं जो लेवेंद बेकरी स्टाइल हैं, दीज आर प्राइस्ड एट £3 ईच। और सेट ऑफ 6 कुकीज़ जो है वो पड़ जाता है £18। और ये मेरा पहला केक का ऑर्डर था, दैट वाज रूब्लॉक्स थीम्ड, और मैंने इसके लिए चार्ज किए थे £55, विच वाज फेयरली प्राइस्ड बिकॉज आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा अनश्योर भी थी आई थिंक, लेकिन दैट वाज द प्राइस दैट आई डिड। द नेक्स्ट वन इज़ फुटबॉल थीम्ड केक, और ये केक मुझे दिसंबर में इसका ऑर्डर आया था, आई चार्ज £75 पर इट। द प्रेटीएस्ट कप केक सो फार, पिंक थीम थे ये और पर्पल मैंने इसके अंदर जो है एक हिंट दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सेट, आई चार्ज £18 फॉर अ सेट ऑफ 6। एंड देन दिवाली आ गई और दिवाली पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए थे, ज़्यादातर जो है वो शीर खुरमे के भी थे, शाही ठुकरों के भी थे और खीर के भी थे, एंड ऑल ऑफ दीज आर प्राइस्ड एट £20 ईच। At the same time, I started working on lots of brownies recipe और मैंने इतनी सारी ट्राई कर ली थी, आई फाइनली सेटल डाउन ऑन दिस वन। परफेक्ट क्रैकली टॉप आता था इसके ऊपर और इसके अंदर होती थी बहुत ही फजी गुई ब्राउनी। तो आई चार्ज £20 फॉर अ परफेक्ट ट्रे, और ट्रे जो है वो स्क्वायर शेप्ड होती है, इसमें से तकरीबन 16 या 12 स्लाइसेस निकल जाते हैं आराम से। आई सिंपली लव दिस डिज़ाइन, आज तक मैंने जितने भी केक्स किए उसमें टॉप नंबर पर यही है। बहुत ज़्यादा मेरा इसमें टाइम गया था, तकरीबन 7 hours आई पुट इन टू दिस केक और आई चार्ज £85 फॉर इट। मैं इसको बिल्कुल जो है वो क्लियर बॉक्स में इसलिए डाला है ताकि सब नज़र आ सके और केक आराम से देख भी जाए। Somehow these became popular, और ये हैं डिज़र्ट ऑर्डर्स, इंडिविजुअल थीम्ड हैं, पाइन एप्पल और चॉकलेट मूस। सो आई चार्ज फॉर अ बॉक्स ऑफ 6 £12। पॉपुलर कोरियन ब्रांड जो है स्ट्रे किड्स के नाम से, उसका मैंने थीम केक बनाया था एंड आई चार्ज £55 फॉर इट। और तकरीबन इसी टाइम मैंने हार्ट केक्स भी बनाना शुरू कर दिए, और ये मेरा प्रैक्टिस केक था तो मैंने इसकी कोई चार्ज नहीं किए थे, एक पार्टी में मुझे जाना था तो मैंने इसी को बना लिया था, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्ड फ्रॉम इनसाइड। मोर कपकेक्स टू फॉलो अप, और ये जो है £18 का था फॉर अ सेट ऑफ 6। फ्रॉम डूइंग मोर एंड मोर केक्स आई स्टार्टेड गेनिंग कॉन्फिडेंस, तो अब इस टाइम तक आई वॉज रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई वॉज ऑफरिंग। तो आई चार्ज £75 फॉर दिस टॉल केक, एंड इसकी सर्विंग्स भी बहुत ज़्यादा थी आई रिमेंबर। एंटरिंग इंटू फेब्रुअरी मैंने ये बनाया था केक दैट वाज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ फॉल गाइस, और इसके मैंने चार्ज किए थे £75। दिस केक आई मेड फॉर माई नेबर, और मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे खुद ही पे कर दिया था, दैट वाज £30। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स दीज ब्यूटिफुल केक्स, और ये दो का सेट था जो मैंने बनाया था, दैट वॉज पॉ पेट्रोल थीम्ड, और इसके चार्जेस थे दोनों के ही £85। मर्मेड थीम्ड टॉल एंड स्लिम केक था ये 4 inch का, एंड आई चार्ज £60 फॉर दिस वन, इसके अंदर बहुत सारा काम था। मोर एंड मोर कपकेक्स बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है इसके अंदर, और डिफरेंट पाइपिंग स्टाइल्स होते हैं जो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। सो आई यूजली प्रैक्टिस फर्स्ट और फिर मैं जो हूँ उसको ट्राई करती हूँ डिफरेंट तरीके से, एंड आई लव इट कि उसका आउटकम इतना अच्छा आता है, क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिनकी राइटिंग केक्स के ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मैं प्रेफर करती हूँ फोंडेंट लेटर्स, और फोंडेंट लेटर्स बहुत अच्छी लुक देते हैं कपकेक्स के ऊपर, केक्स के ऊपर।
आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस वन क्योंकि ये जो है एनिवर्सरी केक था. आई चार्ज नथिंग फॉर इट, लेकिन मुझे खुद ही पे कर दिया था. मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे 75 pounds इसके लिए पे किया था. अनदर वन क्रिकेट थीम्ड फॉर 75 इज वेल. 85 फॉर दिस रेनबो थीम्ड 8-inch केक. $85 फॉर दिस इज़ वेल. दिस इज़ रोबलॉक्स थीम्ड केक और इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस लगाई थी और बहुत सारा इस पर मैंने काम किया था. और बहुत सारे केक्स करने के बाद मुझे कुछ थीम्स बहुत ज़्यादा मज़े की लगनी थी करते हुए, जैसे मिनी माउस हो गया और साथ में जो है टॉय स्टोरी हो गया. फिर ये एक मैंने ग्रेजुएशन के लिए बनाया था एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं इसको रीडिंग कॉलेज में डिलीवर करने के लिए भी गई थी. हालांकि मैं प्रोवाइड नहीं करती ये सर्विस, लेकिन स्टिल आई वेंट क्योंकि उनका ग्रैंड डे था एंड आई थॉरली इन्जॉयड इट. फाइनली आई ऑल्सो लर्न कि ब्लैक बटर क्रीम कैसे बनती है और मुझे अब काफ़ी मज़ा आता था कि मैं ये स्किल भी आराम से कर लेती थी. वन ऑफ द बेस्ट केक सो फार हज मुबारक का मैंने बनाया था एंड आई लव्ड इट. साथ में और मैंने जो है पिक्चर केक्स जो हैं और एडिबल आर्ट के केक्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए. मोस्ट ऑफ द पीपल डू लाइक सिंपल केक डिज़ाइंस, तो दीज आर वन ऑफ देम. और साथ में ये प्यारे से कप केक्स, ये मेरे बेटे का बर्थडे केक है जो मैंने घर पे बनाया था और साथ में ही ये क्रिकेट थीम्ड अनदर केक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज आर सम ऑफ द लेटेस्ट केक्स दैट आई हैव डन. और मुझे ये तमाम ही डिज़ाइंस बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे और बहुत मज़ा आया केक्स करने में. अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड टू वेयर आईव कम, आईव सीन अ मैसिव इम्प्रूवमेंट इन माई वर्क एंड होपफुली विद टाइम मैं इसमें और अच्छी हो जाऊँगी. इस स्किल को मैं और अच्छी तरीके से जो है वो इन्हांस कर लूँगी. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अल्लाह हाफिज़.